जो लोग भी अलराजी बैंक का वीजा कार्ड हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनका फिंगर काम नहीं करता है, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिन लोगों का फिंगर काम नहीं करता। आप बिना फिंगर दिए भी एटीएम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करके देखा है, आप लोगों की फरमाइश की वजह से मैं वीडियो कंप्लीट बनाकर दिखाया है। आज दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप कार्ड हासिल कर सकते हैं, और जिन लोगों का फिंगर काम करता है वो लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं, और जिन लोगों का फिंगर काम नहीं करता है वो लोग भी अब आसानी से निकाल सकते हैं। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा जैसा आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ताकि सबको एटीएम कार्ड मिल जाए, कोई भी बाकी ना रहे। उसके बाद अगर आप लोग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए हैं अलराजी बैंक में तो अकाउंट ओपन कर ले, वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, या इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एटीएम कार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ एक आमा नंबर डालना होगा और आपका एटीएम बाहर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं एटीएम मशीन पे और आपको दिखाता हूँ किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी टाइम प्रिंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दिन में, रात में भी प्रिंट कर सकते हैं और अकाउंट भी अब किसी भी टाइम ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पर क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। सबसे पहले अलराजी के किसी भी सेल्फ सर्विस मशीन पर जाकर एटीएम पे क्लिक करें, और यहाँ पे इंग्लिश सर्व कर सकते हैं तो एटीएम पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एकामा नंबर मांगा जाता है, तो अपना एकामा नंबर जो भी है यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन कर ले, उसके बाद यहाँ पे आए अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो डालेंगे तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पर क्लिक करें। उसके बाद आपके नंबर पर कोड जाएगा, उस कोड को जो भी आप यहाँ पर नंबर डाले होंगे उस कोड को यहाँ पर डालना है, उसी नंबर पर कोड जाएगा तो उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। उस मोबाइल पे मैसेज जाएगा अकाउंट नंबर डालने के बाद, वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं नाम का ऑप्शन आ गया, एटीएम कार्ड पे किस तरह का नाम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दे। उसके बाद फिंगर मांगेगा, तो फिंगर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप फिंगर लगाए अपना जो हाथ का उंगली है वो लगाए, और यहाँ पे अगर फिंगर नहीं आता है उसका दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे फिंगर तो ऐसा लग रहा है ले लिया है, लेकिन कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ अलग बताएगा। यहाँ पे फिंगर देख सकते हैं नहीं आया, ये फिंगर नहीं लिया तो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ट्राई करेंगे तो देखिए कैसा ऑप्शन आता है। फिर से यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, सही से ट्राई करें तो देख सकते हैं फिंगर नहीं आ रहा है, फिर ट्राई करें दोबारा तिबारा, यानी बार बार ट्राई करना है ताकि जो दूसरा ऑप्शन है वो चालू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर फिंगर नहीं आया है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आप बनाए थे बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम वो यहाँ पे यूज़र नेम डाल दे और नीचे पासवर्ड डाल दे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है। अगर आपको कोई और तरीका चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बिना नेशनल एड्रेस का भी आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास नेशनल एड्रेस नहीं है तो मेरा भी यूज़ कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा। तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, जो भी हमने अकाउंट ओपन किया था तो उसी टाइम का जो डिस्प्ले रिकॉर्ड होता है, या आप स्क्रीनशॉट रख ले अच्छा रहेगा, याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो काम यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके नंबर पे कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पर फिर से डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर नहीं लिया तो कोड दोबारा आया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे राउंड घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड चालू हो जाएगा। जब तक ये सेकेंड चालू नहीं है, जब तक आपको वेट करना है, और सेकेंड चालू होगा तो देख सकते हैं चालू हो चुका है, और ये 100 तक जाएगा, 100 से पहले आपका कार्ड प्रिंट होकर निकल जाएगा। मैं पूरा डिटेल्स बता दिया हूँ, और आप वीडियो भी देख ले कार्ड किस तरह से आएगा बाहर। अगर मशीन में कार्ड न रहे तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाँ कार्ड नहीं आएगा, और कार्ड है तो फौरन आ जाएगा। ये आदमी है, इसका फिंगर नहीं आ रहा था, तो देखो भाई का फिंगर यहाँ पे दिया है, यूजर नेम पासवर्ड, तो लग रहा है काम हो जाएगा। यही भाई है, फिंगर आया कि नहीं आया? लेकिन आज लग रहा है काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड चल रहा है, पूरा 100 तक जाएगा तो इधर से कार्ड निकलेगा।
देखो आ गया आ गया आ गया कार्ड आ गया कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुल बता दिया, पकड़ो भाई।